मैं खालिद खान, सेव वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर करेंगे हल उदयवीर ढिल्लो। जीरकपुर, जीरकपुर नगर परिषद के प्रधान उदयवीर ढिल्लो ने आज कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। वह आज वार्ड 901 के अंतर्गत सैनी विहार फेस 5 में बीते कल बरसात के कारण जो सड़क धस गई थी उसके मरम्मत का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जीरकपुर में विकास कार्य तीव्र गति से आरंभ कर दिए गए हैं। क्या आज हम खड़े जीरकपुर के वार्ड नंबर 1 के सैनी विहार 5 फेज में, जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था कि बरसातें शुरू होने के साथ साथ जगह जगह और सड़कें धंसनी शुरू हो गई हैं, जिससे हमने स्थानीय लोगों से बात की तो लोगों ने हमें बताया कि पिछले नगर परिषद के पिछले कार्यकाल में जो वो मानकों के अनुरूप नहीं किए गए, इस कारण बरतानों में सड़क धंसने और गड्ढे बनने की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए अभी वर्तमान में जो नगर परिषद कांग्रेस पार्टी बनी है वो इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है, और आज इसी क्रम में हमारे साथ नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या हाल है सर? बढ़िया जी, बढ़िया सर। सर, ये समस्याएं जैसे बरसात शुरू हो रही है और ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पूरे बरसाना में हम देखते हैं सड़क धंसने और गड्ढे बनने की समस्या है, जिसके बारे में हमने स्थानीय लोगों से बात की, लोगों ने हमें बताया कि जिससे सड़कें धंसने और गड्ढे बनने की समस्याएँ लोगों को आ रही हैं, और स्थानीय लोग इससे काफ़ी परेशान हैं, तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? सबके सामने आ रही है जो दिक्कतें परेशानी है उनका सामना, तो हम समय उचित लगता है 20 सालों की जो दिक्कतें हैं उसको हल करना है, और हम वचनबद्ध है और सही जो है उसको हम अच्छे ढंग से करके हल करके देंगे, ताकि खाना पूर्ति ना हो, जो काम है वो अच्छे ढंग से होकर हमारे जो संवासी हैं लोगों को समाधान के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखा है कई जगह बरसाती पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं किया गया, सड़कें ज़रूर बनाई गई हैं लेकिन बरसाती पानी की निकासी के लिए कुछ नहीं डाला गया, तो ड्रेन के पाइप से डले हैं, हम अगर वार्ड रविंद्रा ड्रेन में देखें वार्ड नंबर 1 में आता है वो भी, वहाँ पर सड़कें ज़रूर बनी हैं, सीवरेज डला है लेकिन बरसाती पानी खड़ा रहता है जिससे सड़कें टूट जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो हमने अब इसीलिए जितनी हमारी सड़कें जहाँ पर नहीं निकासी का पानी है पाइप पर जमी है, वहाँ पर हम इसको लिए बरसात का समय है, अगर हम इस टाइम पर उसको शुरुआत करेंगे तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, तो इसके बाद हम लगातार उसके ऊपर निरंतर लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा कि बरसातों में 7 नंबर वार्ड से 25 नंबर वार्ड के पास में जो बड़ी पाइप लाइन है उसका निर्माण किया गया, बीच में बरसात जरूर आई, लोग इसके बात को समझते भी हैं क्योंकि वो चीज़ है उनके फायदे के लिए हल कर रहे हैं। हर बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहे सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।